हम करने चले हैं कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, और हम थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे क्विक सॉर्ट को। इसलिए कुछ हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है समझने, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि सबसे पहले हम देखेंगे ये डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी कैसे है। ठीक है, इसमें डिवाइड पार्ट हम किसको कह रहे हैं, कॉन्कर किसको कह रहे हैं। ठीक है, हम किसको बेस्ट केस सिनेरियो कहते हैं, किसको वर्स्ट केस सिनेरियो कहते हैं, और इसका एवरेज केस सिनेरियो क्या होता है। जब हम ये सिनेरियोज़ की बात करेंगे, फिर हम एनालिसिस करेंगे तीनों सिनेरियोज़ में। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और भी हम देखेंगे, बल्कि वो पहले ही देखेंगे हम लोग, सिंप्लीफाइड स्यूडो कोड। हम एनालिसिस करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे कोड को। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करने के लिए पहले से रिवाइज करनी है, या अपनी लर्निंग को एनहांस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डिवाइड की तरफ। डिवाइड हम किसको कहेंगे? देखें, हमारे पास जो भी एरे होता है जिसको हमें सॉर्ट करना है, वी नो के इसमें जो भी वैल्यूज़ हैं एक्स वाई जी, हम जब फर्स्ट पास रन करते हैं, फर्स्ट पास, तो क्या होता है, कोई हमने वैल्यू अज्यूम की, पिवट की, इसको रेड ले लेता हूँ मैं, सम पिवट, सम आई, सम जे, और हम पिवट पे जो वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू है, उसको फर्स्ट पास कंप्लीट होने के बाद क्या करते हैं, उसकी फाइनल पोजीशन पे, जो जहाँ पे सॉर्टिंग के बाद उस एलिमेंट को होना है, वहाँ पे प्लेस कर देते हैं फर्स्ट पास में। ठीक है, तो से ये वैल्यू इमेजिन के 9 थी, ये तो फर्स्ट पास कंप्लीट होने के बाद 9 अज्यूम की यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये काम जब मुकम्मल होता है, यहाँ अभी तक हमने कुछ कोई डिवाइड अप्लाई नहीं किया है, इस प्रोसेस के बाद हम अपनी प्रॉब्लम को स्प्लिट कर देते हैं दो छोटी सब प्रॉब्लम्स में। ठीक है, लेकिन डिवाइड, जैसे हमने मर्ज सॉर्ट में पढ़ा था कि मर्ज सॉर्ट पहले डिवाइड कर देता है सारी पूरी प्रॉब्लम को, उसके बाद मर्जिंग स्टार्ट करता है, पहले स्प्लिट करता है, फिर मर्जिंग स्टार्ट करता है, मर्ज करते करते वो सॉर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे फ़र्क ये है क्विक सॉर्ट में, कि जब हम स्प्लिट कर रहे होते हैं, तो स्प्लिट करने से पहले एक सामने की किसी लेवल तक सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका होता है, यानी कि स्प्लिट करते करते हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, ना ये कि पहले स्प्लिट करें और फिर सॉल्व करें। तो क्विक सॉर्ट में अच्छी बात यह है कि डिवाइड करते हुए वो प्रॉब्लम का कुछ हिस्सा सॉल्व कर चुका होता है। ठीक है, तो इसका डिवाइड क्या है, डिवाइड हम इसको कहते हैं क्विक सॉर्ट के अंदर, कि ब्रेकिंग दिस एरे, फॉर एग्जाम्पल ये एरे था ना, इंटू थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। एक अनसॉर्टेड लेफ्ट एरे है, इसको मैं कह देता हूं अनसॉर्टेड लेफ्ट और अनसॉर्टेड राइट, ये दो पार्ट्स हैं, और
सॉर्टेड, मेड, ये तीन पार्ट्स हैं जिनमें हम डिवाइड कर देते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और भी जहन में रहे कि वाई वी आर डूइंग दिस, हम ये भी इंश्योर करते हैं जो लेफ्ट साइड है अनसॉर्टेड, इसमें जो वैल्यूज़ हैं इस सॉर्टेड मिड से छोटी होंगी और राइट साइड पे इसकी इससे बड़ी या इससे बराबर वैल्यूज़ होंगी। तो ये था हमारा डिवाइड। और कॉन्कर हम किसको कहते हैं? इन सब एरेज को जब हम रिकर्सिवली को एक सॉर्ट से सॉल्व कर रहे होते हैं, दैट पार्ट इज कॉन्कर। ठीक है, तो जो डिवाइड करने वाला स्टेप है वो है डिवाइड। और जब हम पार्टीशनिंग कर रहे होते हैं, यानी कि आई आइट्रेट कराया, जे आइट्रेट कराया, फिर पिवट को अपनी जगह पे पहुंचाया, स्वैपिंग करवाई, वो सारा पार्ट है जिसको हम कहेंगे कॉन्कर। ठीक है, तो एक तो हमें ये क्लैरिटी चाहिए थी। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं बेस्ट केस किसको कहेंगे, वर्स्ट केस किसको कहेंगे, और एवरेज केस किसको केस हम किसको कहेंगे। ठीक है, इनफैक्ट इनसे पहले, ये मैं डिस्कस करने से पहले, आई थिंक ये जो नंबर 6 पे हमने जो लिखा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिंप्लीफाइड स्यूडो कोड। सिंप्लीफाइड स्यूडो कोड ये है कि मैंने वही एल्गोरिथम लिखा क्विक सॉर्ट, ठीक है, फंक्शन का नाम लिख दिया, ए एरे जिसको सॉर्ट करना है, और मैंने दोनों पॉइंटर्स यहाँ बता दिए आई और जे। ठीक है, इसके बाद मैं सिर्फ अपना स्यूडो कोड इन तीन चार लाइंस में कंप्लीट कर देता हूँ कि इफ़ आई इज लेस देन जे देन डू व्हाट। सबसे पहले तो सेट पी पिवट इज इक्वल्स टू पार्टीशन, पार्टीशन व्हाट, ए आई जे। ठीक है, तो एक फंक्शन मेरा पार्टीशन हो गया। अब ये वही फंक्शन है, देखिए पहले जो हमने एल्गोरिथम स्यूडो कोड लिखा था उसमें एक ही फंक्शन के अंदर हमने सारे काम करवा लिए थे, रिकर्शन भी हो रही थी, आई और जे आइट्रेशन भी हो रहे थे, पिवट भी सेट हो रहा था। अभी हमने यूँ समझ लिया, एक तरह से रीफैक्टर कर लिया कि पार्टीशन का हमने समझ लिया कि एक अलग से फंक्शन है, उस फंक्शन का काम सिर्फ इतना है कि वो एक इंडेक्स रिटर्न कर दे, इंडेक्स है ये पी, ठीक है, पिवट जो पिवट की फाइनल पोजीशन थी जहाँ से स्प्लिट करना है हमारे एरे को, वो पोजीशन रिटर्न कर दें। ठीक, इसके बाद अगला स्टेप क्या है, क्विक सॉर्ट, क्विक सॉर्ट इसी एरे को कहाँ से स्टार्ट करना है, आई से स्टार्ट करना है, और कहाँ तक लेके जाना है, पी माइनस वन तक। यानी जो पी, जाहिर सी बात है जो मेरा इंडेक्स है, ये तो वो वैल्यू है ना जो पिवट है, तो पिवट तो अपनी इस फंक्शन को कॉल करने के बाद पिवट तो पहुंच गया अपनी पोजीशन पे जहाँ उसकी फाइनल पोजीशन थी, तो हमें लेफ्ट साइड के लिए पी माइनस वन तक जाना है। ठीक है, और राइट साइड के लिए हम क्या कहेंगे, ए पी प्लस वन से लेके जे तक। तो ये चार लाइंस के अंदर हम लोगों ने अपना क्विक सॉर्ट रीडिफाइन कर दिया, एक सिंप्लीफाइड वर्जन इसका। देखें, इसको वैसे देख के अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली पूरा पार्टीशन का फंक्शन इसमें मिसिंग है। तो ये हमने किया क्यों है, हमने ये काम इसलिए किया है ताकि जब हम एनालिसिस करने आए बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस का, तो हमें उन झंझटों में ना पड़ना पड़े कि लूप कितनी मरतबा चल रहा है, ब्रेक कहाँ हो रहा है, कंडीशंस कितनी मरतबा मैच हो रही हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आगे जब हम इक्वेशन के ऊपर आएंगे एक्चुअली, तो ये चीज़ और ज़्यादा क्लैरिफाई होगी, सिंप्लीफाई होगी। नाउ लेट्स मूव टू बेस्ट केस।
बेस्ट केस, क्विक सॉर्ट का बेस्ट केस क्या होता है? देखिए अगर हम बात करें और किसी एल्गोरिथम की, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट वगैरह, तो कहते हैं भाई बेस्ट केस कौन सा है कि एल्गोरिथम ऑलरेडी, जो डेटा है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में ऐसा नहीं है, सॉरी क्विक सॉर्ट के केस में ऐसा नहीं है। क्विक सॉर्ट कहता है, जिसको आप कह रहे हैं ना बेस्ट केस, यानी कि मेरा एरे पहले से ही 2, 3, 6, 6, 7, 9, 10, 11 है, ये एक्चुअली इसका बेस्ट केस नहीं होता। इनफैक्ट इसका बेस्ट केस क्या कहता है कि जो पिवट है मेरा, पिवट शुड बी मीडियन वैल्यू, डेटा में जो मैंने पिवट सिलेक्ट किया है वो पूरे डेटा सेट की मीडियन वैल्यू हो। उस केस में मैं कहूँगा कि भाई मेरे पास ये बेस्ट केस सिनेरियो है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक एलिमेंट इसी में अगर और ऐड कर देता हूँ, बल्कि एज एन एग्जांपल मैं एक डेटा सेट ही बना देता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ न्यू पेज पे आ जाता है, आई विल से 4, 6, 3, 2, 1, 7, 5, ये इंडेक्स 0 है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, ये मेरे इंडाइसेस हैं और नीचे मेरा सेकंड रो में डाटा है। और पिवट मेरा क्या होगा, ये 4 पिवट वैल्यू होगी, आई मेरा यहाँ होगा, जे मेरा यहाँ होगा। इस वक्त हमें आई और जे का इतना काम नहीं जितना पिवट का काम है। पिवट पे गौर करें, पिवट की वैल्यू ऐसी है कि जब एक पास कंप्लीट होगा ना तो पिवट कहाँ पहुँच जाएगा, अपनी फाइनल पोजीशन पे जहाँ पे उसको अल्टीमेटली आना है। अब अगर हम इसको रन करेंगे मेंटली भी तो वी विल कंक्लूड कि भाई देखें आई यहाँ से चलेगा जे तक, ठीक है, आई ऑलरेडी जो वैल्यू है वो इससे बड़ी है, ठीक है, तो आई यहाँ होल्ड हो जाएगा। जे को हम देखें तो यहाँ पे जे को स्वैप होना है एंड ऑल द वे, ये सारी चीज़ें आप मेंटली कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी बहुत ही मतलब फास्ट ट्रैक पे चल रहा हूँ क्योंकि मेरा पॉइंट जिस पर मुझे एम्फसाइज करना है वो ये है कि 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स, फॉर एग्जांपल मेरा एक पास जब कंप्लीट हुआ तो मेरे पास इधर आ गया 2, इधर आ गया 1 और इधर आ गया 3, सही है, और इस पोजीशन पे मेरा पिवट आ गया, ठीक है, पिवट की फाइनल पोजीशन यही होनी है। और इंडेक्स 4, 5, 6 पर मेरी कौन सी वैल्यूज़ आ गई, से 6, 7 और 5, ये 3 वैल्यूज़ आ गई मेरी 4, 5, 6 पे। तो फर्स्ट पास के बाद क्या होगा, फर्स्ट पास के बाद ये तो हो गया सॉर्ट, एक सब एरे ये निकलेगा, एक सब एरे ये निकलेगा, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि वी हैव मैक्सिमम डिवाइड, मतलब दोनों तरफ मेरे पास ट्री बैलेंस्ड वे में डिवाइड हो गया, ठीक है, दोनों जो सब प्रॉब्लम्स हैं उनका साइज सेम है। इसका मतलब ये है कि परफेक्ट डिवाइड है मेरा ट्री, कोई किसी एक जानिब नहीं है कि भाई यहाँ पे कोई यहाँ 0 एलिमेंट्स है और बाकी 6 के 6 एलिमेंट्स यहाँ गए, तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर डिवाइड तो फेल हो गया हमारा, ठीक है। तो एक और पास देख लेते हैं, अगर नेक्स्ट पास की हम बात करें तो 2, 1, 3
ये डेटा होगा ना, फिर इसमें पिवट क्या होगा, टू। जब टू पिवट आएगा तो फिर अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ वन रह जाएगा, यहाँ थ्री रह जाएगा और दरमियान में टू आ जाएगा। इसका मतलब है वंस अगेन मेरे पास ट्री बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो दिस इज़ एक्चुअली द बेस्ट केस सिनेरियो, क्योंकि वी हैव मैक्सिमम डिवाइड। तो ये जहन में रहे कि हमारा डेटा अगर सॉर्टेड ऑर्डर में है, क्विक सॉर्ट में, उसको हम कह ही नहीं सकते कभी भी कि ये बेस्ट केस सिनेरियो होगा। ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं ये बोलूं, ये हमारी सिचुएशन क्या थी, व्हेन पिवट वाज मीडियम, इसको हम कह देते हैं ए। बी क्या है, व्हेन पिवट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू, उस केस में क्या होगा। अगर पिवट मेरे पास स्मॉलेस्ट होता, यानी मेरे पास डाटा कुछ इस तरह से होता, इधर मैंने कर दिया फोर और यहाँ मैं ले आया वन, इस केस में क्या होता कि वन ऑलरेडी वॉट वन टू टू मिसिंग है, चलो इसको हम टू कह देते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि वन ऑलरेडी हमारे पास अपनी लास्ट पोजीशन पे ही था जिसको हमने पिवट कंसीडर किया, यानी पिवट स्वैप ही नहीं हुआ, कहीं मूव ही नहीं हुआ। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, जब फर्स्ट पास कंप्लीट होगा, ये तो हो गया अपनी जगह पे पहुंच गया, बाकी डेटा सारे का सारा एक साइड पे आ जाएगा, राइट साइड पे। ठीक है, अब डेटा राइट साइड पे आ गया, फिर दोबारा क्या सेलेक्ट होगा, पिवट टू सेलेक्ट होगा। टू अगेन इसके एस्पेक्ट से देखें, बाकी जो बचा हुआ एरे है तो ये भी अपनी फाइनल पोजीशन पे है, उसके बाद बाकी सारे का सारा डेटा आ जाएगा राइट साइड पे। तो यहाँ पे मेरे पास डिवाइड हो ही नहीं रहा, दिस इज Divide is failing. Divide हमारे पास फेल हो रही है स्ट्रेटजी। तो जब डिवाइड स्ट्रेटजी फेल हो रही है तो अल्टीमेटली हमारे पास सिचुएशन क्या बन जाएगी कि एक पिवट आया पिवट वन, उसके राइट साइड पे फिर पिवट टू आया, फिर पिवट थ्री आया, फिर पिवट फोर आया, यहाँ तक के एंथ वैल्यू तक हम चले जाएंगे और डिवाइड बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब पिवट हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है तो दिस इज एक्चुअली वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू होगी, लार्जेस्ट वैल्यू होगी तो क्या होगा। से अगर ये मेरे पास होता सेवन वन की जगह, तो फिर क्या होता, सेवन पहुंच जाता अपनी इस पोजीशन पे, बाकी सारे का सारा बचा हुआ एरे आ जाता लेफ्ट पे। ठीक है, उसके बाद सिक्स आ गया, सिक्स पहुंच जाता अपनी अल्टीमेट पोजीशन पे सेकंड पास में, उसके बाद मज़ीद हमारे पास सारे का सारा डेटा आता राइट साइड पे सब एरे। तो उस केस में भी हमारे पास डिवाइड स्ट्रेटजी फेल हो जाती। तो ये जहन में रखिएगा कि आयरॉनिकली वर्स्ट केस ऑफ क्विक सॉर्ट इज व्हेन डेटा इज ऑलरेडी सॉर्टेड इन एनी ऑर्डर।
चाहे असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, डेटा सॉर्टेड है, दिस इज़ वर्स्ट केस सिनेरियो। और बेस्ट केस सिनेरियो हमने देख लिया कि जब हमारे पास डेटा ऐसे ऑर्डर में है कि जब भी हम पिवट चूज़ करें वो मीडियन वैल्यू हो। तो लकीली ऐसा इस चीज़ इस इसको अवॉइड करने के लिए कि हम वर्स्ट केस में ना पड़ें, हम एक स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं जिसको हम कहेंगे रैंडम पिवट सिलेक्शन। यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं रैंडम पिवट सिलेक्शन में, जो भी डेटा है उसमें से रैंडमली किसी भी पोजीशन को हमने चूज़ कर लिया। फॉर एग्जांपल ये पोजीशन है, इसको हमने कह दिया भाई ये पिवट होगा, ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करते ही इसको हम ले गए ज़ीरो इंडेक्स पे, और ज़ीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो यहाँ ले आए, ठीक है, और ये हमारा पिवट बन गया। इसके बाद इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है, बहुत ही लो हो जाती है कि आप हमेशा स्मॉलेस्ट या हमेशा लार्जेस्ट वैल्यू पिक करेंगे एज योर पिवट, ठीक है। तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी तो है लेकिन वो बहुत ही मिनिमम है, बिकॉज अगर आपके पास n वैल्यूज़ हैं तो ये प्रोबेबिलिटी 1/n हो जाती है, ठीक है। एक्चुअली नॉट 1/n, चाहे वो लार्जेस्ट हो चाहे वो स्मॉलेस्ट हो 2/n हो जाएगी, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू हमारे पास सिर्फ 100 है, 100 आइटम्स हैं, इवन 20-25 आइटम्स भी हैं, तब भी ये कोई बहुत हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो वर्स्ट केस में फंसने के इम्कान बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं अगर आप पिवट सिलेक्शन रखें रैंडम। वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, सबसे पहली चीज़ बेस केस, हमें अगर टी एन निकालने फॉर सम वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, तो एक्चुअली हमारे पास दो केसेस हैं, जब एन वन होता है देन टी एन इज इक्वल्स टू वन। इसका मतलब है कि जब हम एक एलिमेंट पास करेंगे तो उस केस में सेम एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, ये तो हमारा बेस केस है। जब एन वन से ग्रेटर होता है तो वॉट, ये हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, मैं कहूंगा फॉर एन इज इक्वल्स टू वन टी एन इज इक्वल्स टू वन फॉर एन इज ग्रेटर देन वन टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू, हमें क्या ऐड करना है, ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं इन तीनों को ऐड करना है। पहली स्टेटमेंट आप देखें, पार्टीशन फंक्शन करता क्या है, एक रिटर्न करता है पी पिवट इंडेक्स, ठीक है, ये इंडेक्स रिटर्न करने के लिए इसको ट्रेवल करना है आई से लेके जे तक, यानी आई मेरे पास जीरोथ पोजीशन से चलता है जे प्लस वन तक, और साथ ही जे अपनी एंथ पोजीशन से आता है आई तक, ठीक है। यानी दोनों सूरतों में मैं इन दोनों के एट्रेशन को जब ऐड करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, एन। तो पार्टीशन फंक्शन जब कॉल होता है तो ए का जो भी साइज है, जैसे हम एन कह रहे हैं, तो एन आइट्रेशन परफॉर्म होती है जब भी पार्टीशन फंक्शन कॉल होता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहली टर्म जो मुझे ऐड करनी है वो ये है टी पार्टीशन,
ये पहली टर्म है। दूसरी टर्म क्या होगी? दूसरी टर्म है क्विक सॉर्ट। रिकर्सिवली मैं कॉल करता हूं कहां से, ए एरे पे स्टार्ट कहां से होते हैं, स्टार्ट करते हैं आई से ऑल द वे टू पी माइनस वन। अब आप ये देखें आई क्या है, जब सबसे पहली अगर हम बात करेंगे फर्स्ट टाइम जब ये क्विक सॉर्ट कॉल हुआ तो आई क्या था, जीरो, ठीक है, जीरो इंडेक्स था। उसके बाद जब स्प्लिट हुआ एरे, जब स्प्लिट हुआ तो हर मरतबा जब हमने एरे को स्प्लिट किया एक नया सब एरे फॉर्म हुआ, उस नए सब एरे के एस्पेक्ट से ये आई क्या हुआ, जीरो हुआ, ठीक। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि प्लस टाइम इट टेक्स टू रन क्विक सॉर्ट फ्रॉम जीरो टू पी माइनस वन, ठीक है, पी हमें पता है इंडेक्स है किसका, पिवट का। इसी तरह लास्ट टर्म मेरी क्या होगी, क्विक सॉर्ट पी प्लस वन टू एन, ठीक है। अब आप ये पूछ सकते हैं भाई एन माइनस वन क्यों नहीं, वाई एन, बिकॉज रिमेम्बर हम एक इन्फिनिटी ऐड करते हैं आखिर में, तो विच इज वाई एक एक्स्ट्रा हम स्टेप चलाते हैं, तो आई हैव रिटन पी प्लस वन टू एन, ठीक है। तो इन तीनों को मुझे ऐड करना है, इसको मैं क्या देता हूं, इस टर्म को टी ऑफ पी, इस टर्म को मैं क्या देता हूं टी क्यू, और जीरो टू पी माइनस वन का क्या मतलब है, सिंपली पी माइनस वन, ठीक है। यानी यहां पे रेंज दी हुई है, मुझे यहाँ पे एक नंबर चाहिए कि नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं जो क्विक सॉर्ट ने प्रोसेस किए, तो दे विल बी इक्वल टू व्हाट, पी माइनस वन। अच्छा, अब थोड़ी सी एम्बिग्युइटी रिमूव करने के लिए कि ये पार्टीशन को भी मैंने पी कह दिया है और यहाँ भी मेरे पास पी माइनस वन है, तो मैं इसको या तो क्यू कह देता हूँ या इसको मैं पार्ट कह देता हूँ, सिंपली इसको मैं कह देता हूँ पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम आ गए पी माइनस वन। इस टर्म को मैं क्या कह रहा हूं, मैं कहूंगा टी क्यू। अब देखें ये चल रहा है पी प्लस वन से लेके एन तक, इन फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर एन है सेवन और पी था फोर, तो फाइव टू सेवन में चला रहा हूं ना, फाइव सिक्स सेवन, तो दिस इज इक्वल टू थ्री। तो क्या मैं अगर सेवन माइनस फोर कर दूं तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू थ्री, राइट। मैं इसको ये कह सकता हूं दिस इज एक्चुअली एन माइनस पी, ठीक है। इन तीनों टर्म्स को मैं सम करूंगा, मेरे पास टी एन निकल आएगा। यही चीज मैं वर्स्ट केस के लिए भी करूंगा, बेस्ट केस के लिए भी करूंगा और एवरेज केस के लिए भी करूंगा। सबसे पहले हम करेंगे ये काम वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए, ठीक है। अब देखिए वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी में हमारे पास इशू क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू टी पार्ट प्लस टी क्यू पी माइनस वन प्लस टी क्यू एन माइनस पी, ठीक है। इनको मैं सम करना है ना। अब देखें इशू क्या आता है वर्स्ट के सिनेरियो में, कि या तो ये इनफेक्टिव होगा या ये इनफेक्टिव होगा। इनफेक्टिव से मुराद क्या है भाई, मेरे पास जो भी डेटा है जब मैं आइट्रेट करता हूं इसको, यानी कि नेक्स्ट रिकर्शन पे जब मैं जाऊंगा तो होता क्या है, एक एलिमेंट कम हो जाता है, बिकॉज वर्स्ट के सिनेरियो जैसे हमने डिस्कस किया कि वर्स्ट के सिनेरियो में हम लोग पिक कर लेते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू,
अब स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर मैंने पिक किए तो स्मॉलेस्ट वैल्यू के लेफ्ट है तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। पूरा जो सब एरे बच गया वो राइट साइड पे आ जाएगा। फिर अगेन हम इसके अंदर एक स्टेप और जाते हैं, मजीद रिकर्स करते हैं तो क्या होगा, इन तीन एलिमेंट्स के साथ क्या होगा, ये नेक्स्ट टाइम रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगेन लेफ्ट साइड साइड पे कुछ भी नहीं आएगा, राइट साइड पे दो एलिमेंट्स आ जाएंगे, फिर यहां से ये रिमूव हो जाएगा, फिर राइट साइड पे एक एलिमेंट बचेगा जो रिटर्न हो जाएगा। तो वर्स्ट के सिनेरियो इस तरह से चलता है। इसका मतलब यह है कि या तो मेरे पास एल्गोरिथम का लेफ्ट पार्ट जो 0 से लेके P-1 तक चल रहा है, और उसके बाद P आता है, उसके बाद P+1 से लेके N तक, ये तीन तीन मेरे पास पार्ट्स होते हैं ना, या तो मेरे पास ये रन नहीं होगा या ये रन नहीं होगा, दोनों में से कोई एक वक्त में कोई एक चीज रन होगी, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पे वर्स्ट के सिनेरियो में ये आता है। इस केस में हम कहेंगे कि डिवाइड बिल्कुल ही इनइफेक्टिव है, डिवाइड अप्लाई हो ही नहीं रहा। तो इसका रिजल्ट क्या बनता है, इसका रिजल्ट ये बनता है कि जो हमने ट्री डिस्कस किया था ना, जो ट्री हमने डिस्कस किया था, वो एक्चुअली ट्री नहीं बचता, वो बन जाती है एक अदद लिंक्ड लिस्ट। वो एक लिंक्ड लिस्ट बन जाएगी हमारे पास। तो उस लिंक्ड लिस्ट में क्या, एक ये फॉर्म होती है ना। अच्छा, अब जब सबसे पहले यहां पे हम आए तो ये फंक्शन कॉल हुआ टी पार्ट। पहले तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, टी पार्ट है क्या। पार्टीशन फंक्शन रन करने के लिए हमें कितनी आइटरेशन चाहिए, उसका टाइम। सो दिस विल दिस इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट, एन, ठीक है। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी ना, जो जो भी टाइम हमें चाहिए, दिस विल बी सम कॉन्स्टेंट, टाइम इंटू एन। कॉन्स्टेंट को फिलहाल हम इग्नोर कर दें, जो भी इसमें बनेगा वी कैन जस्ट सिंपली कॉल इट एन। तो इस टी पार्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन के बराबर होगी, विच विल बी लीनियर, सही है। अच्छा, यही फंक्शन यहां पे भी रन हुआ, नेक्स्ट नोड के लिए भी यही रन हुआ एन तक, एंड देन अगेन एन, देन अगेन एन, देन अगेन एन। इसके बाद दूसरी चीज हमें देखने वाली ये है कि ये नंबर ऑफ लेवल्स कितने क्रिएट हुए इस ट्री में। एक्चुअली ट्री बचा ही नहीं है, ये तो एक लिंक लिस्ट बन गई है ना। इस लिंक लिस्ट में कितने आइटम्स होंगे, एन, ठीक है। फर्स्ट टाइम पूरा एरे होगा, अगर 10 एलिमेंट है 10 एलिमेंट, उसके बाद 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, एंड सो ऑन। तो ये जो ट्री है हमारे पास, खुद इसकी जो डेप्थ है वो एन है, और एन टाइम्स इसका मतलब ये सब प्लस हो रहे हैं, विच मीन्स एन इंटू एन। तो प्रॉब्लम जो हमारे पास आ रही है वर्स्ट के सिनेरियो में वो ये आ रही है कि भाई या तो या इन दोनों में से कोई एक एक सिलेक्ट होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी वर्स्ट के सिनेरियो जिसको हम कहते हैं, दिस इज ऑलरेडी एन प्लस, या तो ये एन स्क्वाड होगा और या ये एन स्क्वाड होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से हम किसी को भी अज्यूम कर लें, लेट से हम ये वाली पिक कर लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के लिए। तो वी विल से टी एन इज इक्वल टू एन प्लस एन स्क्वायर्ड प्लस सम कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट टाइम हो सकता है। अब जैसे हमने एक स्टेटमेंट देखी ना, जो आई और जे को हम कंपेयर करा रहे हैं कि वेदर आई इज लेस देन जे और नॉट, तो उसके लिए हमने सिर्फ एक सिंपल एक स्टेटमेंट ले ली कि भाई हम कोई भी कांस्टेंट है उसको मैं सी अज्यूम करूंगा, ठीक है। इनफैक्ट इन द रेस्ट ऑफ दिस होल ट्यूटोरियल, ऊपर भी मुझे कहीं मेंशन करना चाहिए, प्लस सी, चले खैर, इट्स फाइन। इनफैक्ट फॉर द रेस्ट ऑफ दिस होल सीरीज
मैं जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं ना उनको इवेंचुअली सी में ही कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। अब मेरे पास ये तीन टर्म्स आ गई, मुझे निकालना है अपर बाउंड, ठीक है, बिगो। अपर बाउंड क्या निकलेगा, यहां हम देखेंगे सबसे बड़ी ग्रोथ किसकी है, क्या इस टर्म की ग्रोथ है सबसे बड़ी, एन नहीं, इससे बड़ी ग्रोथ इसकी, और ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो दिस बिकम्स एन स्क्वायर्ड। इसका मतलब क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो में क्वाड्रेटिक टाइम लेगा क्विक सॉर्ट। यही एक प्रॉब्लम है कि अगर आप कंपेयर करें ना आउट ऑफ द बॉक्स कि भाई क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट, तो इनिशियली आप कहेंगे भाई मर्ज सॉर्ट इज बेटर बिकॉज उसकी तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी भी लॉगरिथमिक है। यस दैट्स फाइन, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब ये भी याद रखें कि इस सिचुएशन को हमने डिस्कस किया था, हम अवॉइड करते हैं बाय चूजिंग अ रैंडम पिवट। बहुत ही रेयरली ये हो सकता है कि आप वर्स्ट केस सिनेरियो में फॉल करें, ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेस्ट केस की। सेम मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, टी एन इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे एन ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट क्योंकि वो टी ऑफ पार्ट पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, सेम चीज है। टी ऑफ क्यू पी माइनस वन प्लस टी ऑफ क्यू एन माइनस पी। अब देखिए जो बेस्ट केस सिनेरियो है उसमें डिवाइड इज ऑप्टिमल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जितने एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे होंगे ट्री के उतने ही एलिमेंट्स राइट साइड पे भी होंगे जब भी हमारा स्प्लिट होगा, जब मेन एरे स्प्लिट होगा, तो यहां पे हमारे पास डिवाइड हो गया ऑप्टिमल। इसका मतलब क्या है, ये जो भी टाइम होगा पी की वैल्यू कुछ भी हो दिस विल रन फॉर व्हाट, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं डिवाइड बाय टू, और ये कितनी मरतबा रन होगा, कितने एलिमेंट्स के लिए रन होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं डिवाइड बाय टू, क्योंकि सेम साइज में हम लोग स्प्लिट करते हैं ना, तो हम इसको ये कह सकते हैं बेस्ट केस सिनेरियो में एन प्लस पी क्यू एन बाय टू प्लस पी क्यू एन बाय टू, दोनों सूरतों में आई हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर लेफ्ट एंड इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर राइट। तो मैं यहां पे इन दोनों को ऐड करके कह सकता हूं एन प्लस टू पी क्यू एन बाय टू एंड दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द कंडीशन वी हैव इन मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट में हमारे पास दो इक्वल सब एरेज बनते हैं जब भी हम पार्टीशन कर रहे होते हैं, तो सेम केस यहां पे भी आएगा। मर्ज सॉर्ट के कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में हमने पहले देखा, जो कि इनफैक्ट हम बाइनरी, जब हम बाइनरी सर्च के लिए भी कर रहे थे मर्ज कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, तो भी हमारे पास यही केस था, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिचुएशन आ रही थी कि द एरे वॉज स्प्लिटिंग इन टू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि भाई जस्ट लाइक इन बाइनरी सर्च द
नंबर ऑफ स्प्लिट्स, कितनी मरतबा रिकर्जन होगी, कितनी मरतबा एरे स्प्लिट होगा, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लेवल्स इन द रिकर्जन ट्री। जितने भी नंबर ऑफ लेवल्स होंगे, अब बिलफर्ज यहां पे अगर मेरे पास से 12 एलिमेंट्स थे, ठीक है, 12 एलिमेंट्स किन में स्प्लिट होंगे, 6 + 6 एलिमेंट्स में, ठीक है। फिलहाल वो पिवट वाले को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, लेट्स लेट्स से कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट पिवट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, वो एक एलिमेंट है, उससे इतना कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ता हमारे एनालिसिस पे। फिर ये स्प्लिट होंगे 3 3 एलिमेंट्स, ठीक है, एंड देन 1 2 1 2 1 2। ये जो नंबर ऑफ लेवल्स हैं 1 2 3 और 4, ये हम पहले ही ये चीज एनालाइज कर चुके हैं कि जब भी हमारे पास ये सिचुएशन आती है तो क्या होता है। सबसे पहले मेरे पास कंप्लीट लाइक एन, सबसे पहले मेरे पास होता है n/1, फिर नेक्स्ट स्टेप स्टेप पे आते हैं n/2, फिर n/2 की पावर 2, फिर n/2 की पावर 3, एंड सो ऑन। और ये मेरे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो आ जाती है लॉगरिथमिक, ठीक है। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं, इसको मिटा के अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं कि टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन प्लस ट्वाइस व्हाट, एन लॉग टू एन, विच मीन्स एक और प्लस सी, विच मीन्स कि इसका अपर बाउंड क्या निकल के आ जाएगा, एन डोमिनेंट टर्म नहीं है, सी भी डोमिनेंट टर्म नहीं है, यहाँ पे टू कांस्टेंट है और हमारे पास एन लॉग एन वेरिएबल है। तो फाइनली हम कहेंगे इन बेस्ट केस सिनेरियो क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी लॉगरिथमिक। एवरेज केस के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन तो वही है, इक्वेशन हमारी चेंज नहीं हुई, टी ऑफ एन यानी फॉर एन ग्रेटर देन वन, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन हम पहले ही निकाल चुके हैं, प्लस टी ऑफ क्यू 1 - p - 1 प्लस टी क्यू n - p, यही इक्वेशन है। लेकिन अब यहां प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये नहीं पता p की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज P इज रैंडमली सिलेक्टेड। हम यहां ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि P की वैल्यू क्या होगी। देखिए हमने वर्स्ट के सिनेरियो में क्या कहा, वर्स्ट के सिनेरियो में हमने कहा कि या तो ये रन नहीं होगा या ये रन नहीं होगा, ठीक है। बेस्ट के सिनेरियो में हमने क्या कहा, ये दोनों रन होंगे 50-50% ऑफ डेटा के साथ, ठीक है, डेटा इवनली स्प्लिट हो रहा है। लेकिन वो एवरेज के सिनेरियो में हमें नहीं पता कि ये पी की वैल्यू क्या होगी, हो सकता है ये एक मरतबा कॉल
और ये एन माइनस वन टाइम्स कॉल हो। हो सकता है ये ही पूरा एन टाइम्स कॉल हो जाए, ये कॉल ही ना हो। खैर ये तो नहीं होगा, ये वो तो फिर वर्स्ट केस सिनेरियो आ जाएगा। हो सकता है ये टू टाइम्स कॉल हो, ये एन माइनस टू टाइम्स कॉल हो। तो वी हैव नो आइडिया कि ये पी की वैल्यू क्या है। इस वजह से वी कैन नॉट से कि कौन सा इनमें से कौन सी ब्रांच कितनी मरतबा रन होगी। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज जरूर पता है कि पिवट रैंडमली सेलेक्ट होता है। इसका मतलब है पिवट की कोई सी भी वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एन फाइव है ना, एन फाइव है, तो पी की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट एलिमेंट बन जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पी सेकंड एलिमेंट बन जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पी फिफ्थ एलिमेंट बन जाए। इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/5 होगी। ठीक है, कोई भी नंबर हमें चूज करना है रैंडमली, तो हर नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/5 होगी। इसका मतलब क्या है, पी की कोई सी भी एक वैल्यू सिलेक्ट होती है विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/n, जो भी n की वैल्यू होगी। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे ये टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक ये टाइम अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं इस पूरे इक्वेशन को एन से डिवाइड कर सकता हूं फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, सो वी कैन से दैट फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ पी, पी एन विल बी एक्चुअली व्हाट, एन प्लस टी, लेट्स कॉल इट पी माइनस वन। अभी मैं क्यों नहीं लिख रहा, टी ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का मसला होता है। फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ पी, टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन प्लस टी क्यू पी माइनस वन प्लस टी क्यू एन माइनस पी, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय एन। ये मैंने बात कर ली सिर्फ एक वैल्यू ऑफ पी की, हर वैल्यू पी की तमाम वैल्यूज के लिए मैं क्या करूंगा, पी की तमाम वैल्यूज के लिए मैं इन सबका सम ले लूंगा। तो सम लेने के लिए क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ये बात मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास इक्वेशन वो आ गई है, इसको मैं इक्वेशन वन कह देता हूँ। अगर मैं इन तमाम पी की वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ, तो मेरे पास टोटल टाइम निकल के आ जाएगा। अगर मैं 1/n कॉमन भी ले लूँ, एक्चुअली दिस इज सॉरी, एक छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक है, वो मैं रेक्टिफाई कर लूँ। एन प्लस दिस, आखिर में प्लस सी है, और एन 1/n को मैं वैसे ही कॉमन ले लेता हूँ, इन सब में कॉमन है ना, 1/1n मैंने वैसे ही कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई।
फॉर एग्जाम्पल हम फॉर एन इज इक्वल टू टू, ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी ऑफ टू इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू, अब सम के लिए मैं दोनों दोनों पॉसिबिलिटी से एन की वैल्यू क्या हो सकती है, तो जीरो होगी या वन होगी, ठीक है, सॉरी या वन होगी या टू होगी, तो इनका मैं सम क्या लूंगा, टू प्लस इसके बाद ये रिजॉल्व होगा, ठीक है, यानी इससे पिछली ट्रांजेक्शन यानी टी ऑफ एन माइनस वन कैसे रिजॉल्व होगी, यानी टी ऑफ वन कैसे रिजॉल्व होगा, टी ऑफ वन ऐसे रिजॉल्व होगा कि या तो मेरे पास यहां पे सिचुएशन होगी ऐसी के टू प्लस टी ऑफ वन प्लस टी ऑफ जीरो आ जाए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड पे जो दो एलिमेंट्स थे ना एरे में, एक एलिमेंट जो बच गया वो लेफ्ट साइड पे फॉल कर रहा है पिवट के, या फिर दूसरी सिचुएशन होगी मेरे पास ये कि टू प्लस टी ऑफ जीरो प्लस टी ऑफ वन आ जाए, ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब इनको मैं सम कर लेता हूं, इनका सम क्या बनेगा, टी ऑफ टू इज इक्वल टू वन अबव ऑन टू टू प्लस टू प्लस टी ऑफ वन, हमें पहले ही पता है टी ऑफ वन इज इक्वल टू वन टी प्लस टी ऑफ जीरो, टी ऑफ जीरो का मतलब क्या है, कोई नोड ही नहीं है, तो टी ऑफ जीरो क्या होगा, जीरो प्लस टू प्लस, अब यहां पे जीरो प्लस वन विच मीन्स थ्री थ्री टू एट पॉइंट टू और फोर, तो टू टी ऑफ टू मेरे पास निकल के आ गया ऐसी इस तरह से फोर। अब उसके बाद आप कह सकते हैं प्लस भाई ये कॉन्स्टेंट भी तो आएगा, हाँ कोई कॉन्स्टेंट होगा से वो कॉन्स्टेंट वन हो सकता है, तो ज्यादा ज्यादा आप फाइव कर लें इसको, इधर वे हम लोगों ने ये इक्वेशन लिखकर क्या एक्सप्रेस किया है कि जो पॉसिबल वैल्यूज हैं टी की उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है टी के ऊपर, सिमिलरली हम टी की वैल्यू थ्री के लिए यही इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, टू प्लस टी ऑफ टू निकालूंगा मैं पहले, ठीक है, टी ऑफ टू निकालने के लिए ये पूरा प्लेस करो यहाँ पे, फिर टू प्लस टी ऑफ टू और इसी तरह टी ऑफ टू यहां पे भी आ जाएगा, ठीक है, और अगेन जो भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे देर विल बी मल्टीपल कॉम्बिनेशंस, ये इक्वेशन भी हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज जिसको हमें यहाँ पे नोट करना है, जीरो क्यों लिखा है मैंने, टू प्लस, वो ये कि इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ पी, मैं लिख देता हूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ पी, ये जो टर्म्स हैं टी ऑफ पी माइनस वन प्लस टी ऑफ एन माइनस पी, इन दोनों को हम ऐड जब करते हैं दोनों का सम क्या आता है, इनका सम बराबर होगा टू टी ऑफ पी के, अब ये मैं क्यों कह रहा हूं टू टी ऑफ पी क्यों कह रहा हूं, बिकॉज इररिस्पेक्टिव अगर आप एल्गोरिथम याद करें भाई, आई हमारे पास चलता है ऑल द वे पी माइनस वन तक, ठीक है, और जे हमारे पास स्टार्ट होता है एन से ऑल द वे पी प्लस वन, सही है, तो चाहे आई दो मरतबा चला बाकी मरतबा बाकी एरे के लिए जे चल गया, चाहे आई
चला है ऑल टर्म्स जे से दो मरतबा चला है, वॉट एवर द केस भी, इनका सम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? इनका इनका सम किसके बराबर आएगा? टी ऑफ वन प्लस टी ऑफ टू प्लस टी ऑफ थ्री ऑल द वे, ठीक है, ऑल द वे टू, यहाँ पे जो कंडीशन क्या आएगी हमारे पास पी की, के वन और एन के दरमियान, ऑल द वे टू टी ऑफ पी, सही है? तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि इनको सम करने के लिए, एक्चुअली ये मैं सम का साइन लगा दूं, इनको सम करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? दिस विल बी इक्वल टू, या सिंपल अल्फाज में, टी ऑफ पी माइनस वन प्लस टी ऑफ एन माइनस पी का सम किसके बराबर आएगा? वन से लेके एन तक टू टी पी के बराबर आएगा, टू टी पी की। पी की वैल्यू अभी हमें नहीं मालूम, वो स्टिल अननोन है, लेकिन जो भी वैल्यू होगी इनका सम इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मेरे पास फर्क कोई नहीं पड़ा है, कोई मतलब आप अगर यूं देखें तो इट्स द सेम थिंग, एक ही चीज को मैंने दूसरे अंदाज में लिखा, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि हम आगे इसको इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है? अब लेट्स मूव ऑन और हम एन के लिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू, मुझे सम करना है, ठीक, पहली जो टर्म है, देखिए मेरी पास इक्वेशन कौन सी थी, इक्वेशन वन को मैं ले रहा हूं ना, तो ये सम इसके लिए भी है, ये सम इसके लिए भी है, ये सम इसके लिए भी है, इन दो को हम एक ही टर्म में फ्यूज कर चुके हैं, तो मेरे पास बचेगा क्या? मेरे पास ये बचेगा वन अपॉन एन सम ऑफ पी इज इक्वल टू वन टू एन सम ऑफ एन, मैं ब्रैकेट को रिजॉल्व कर रहा हूं, प्लस वन अपॉन एन सम ऑफ पी इज इक्वल टू वन टू एन टू टी पी। अच्छा, अब पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, या हम सिंपली क्या बोल रहे हैं, हमें एन को एन टाइम्स ऐड करना है, ठीक है, सम लेना है एन का एन टाइम्स, तो विच इज बेसिकली एन स्क्वायर्ड, ठीक है, तो ये एन स्क्वायर्ड हो जाएगा डिवाइड बाय एन, बट एन हमारे पास रह गया रिमेनिंग, वर्स्ट के सिनेरियो है रिमेनिंग, सॉरी एवरेज के सिनेरियो है रिमेंबर, और दूसरे एंड पे हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन का हमें अब कोई कुछ कोई सॉल्यूशन निकालना है। देखें, टू मैं कॉमन ले सकता हूं यहाँ पे, तो दिस बिकम्स टू बाय एन सम पी इज इक्वल टू वन टू एन सम ऑफ व्हाट टी ऑफ पी। अब हम थोड़ी सी अल्जेब्रिक ट्रिक्स यूज करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद एन, ठीक है, तो मेरे पास एन टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन 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 से मल्टीप्लाई होगा, एन स्क्वायर्ड हो गया, प्लस यहाँ पे टू एन अपॉन एन, और एक काम मैं और करूंगा, ये तो एज इट इज आ जाएगा ना, ठीक है, एक काम मुझे और करना है, मैं
इसी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एन, मतलब एन को मैं एन माइनस वन कर दूंगा, एन की जगह एन माइनस वन, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन टू, सही है। और एन माइनस वन टी ऑफ एन माइनस वन इज इक्वल्स टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस माइनस क्यों आएगा, प्लस होगा, टू सम ऑफ पी इक्वल्स टू वन, अब एन से लेके एन माइनस वन तक चलेगा ये टी ऑफ पी, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन थ्री। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन थ्री मतलब इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इस टर्म में से, तो थ्री माइनस टू करना है मुझे। अब जब हम इक्वेशन थ्री में से इक्वेशन टू माइनस करेंगे तो हमारे पास टी एन इंटू टी एन माइनस एन माइनस वन टी एन माइनस वन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर्ड, ये टर्म लेंगे हम और इसमें से ये टर्म माइनस करेंगे, माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर्ड प्लस ये टर्म लेंगे और उसमें से ये टर्म माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा मैं करूंगा ये, टू मैंने कॉमन ले लिया और बाकी मैंने लिख दिया सम ऑफ पी इज इक्वल टू वन टू एन पी ऑफ पी माइनस सम पी इज इक्वल टू वन टू एन माइनस वन टी ऑफ पी। जब मैं इस टर्म में से ये टर्म माइनस करूंगा तो ये देखें ये रन हो रहा है फ्रॉम पी इज इक्वल टू वन टू एन, और ये रन हो रहा है फ्रॉम पी इज इक्वल टू वन टू एन माइनस वन, ठीक है। तो इसका मतलब है जो एक टर्म बच जाएगी हमारे पास पी की, जो सिंगल वैल्यू बच जाएगी वो क्या होगी, दिस विल ऑल रिजोल्व टू, मैं दोबारा लिख देता हूँ एन इंटू एन टी एन माइनस वन टी ऑफ एन माइनस वन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस, फिलहाल मैं इसको एज इट इज रखता हूँ, प्लस ये माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, सम ही पूरा खत्म हो जाएगा बिकॉज हमारे पास सिर्फ टू टी ऑफ एन माइनस वन रिमेनिंग होगा, बिकॉज ये वो वाहिद वैल्यू है टी टी की जो कि बच जाएगी इन इस इक्वेशन में से इक्वेशन के माइनस होने के बाद, और हमें इसी फॉर्म में लेके आनी थी अपनी इक्वेशन के हमारे पास जस्ट एन मौजूद हो विद रिस्पेक्ट टू टी, हम कोई बात ना कर रहे हो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे रिजॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा एन स्क्वायर्ड माइनस एन स्क्वायर्ड प्लस टू एन और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस वन प्लस टू टी एन माइनस वन, ठीक है। ये हम राइट साइड पे ले जाएंगे, एन इंटू टी एन इज इक्वल टू, ये क्या बच जाएगा, पहले ये लिखते हैं टू टी एन माइनस वन, फिर हम ये लिखते हैं ये माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन इंटू टी ऑफ एन माइनस वन, फिर हमारे पास क्या बच गया टू एन प्लस टू एन माइनस वन, सही है। रिजॉल्व दिस, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों,
एन टू टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस एन इंटू टी ऑफ एन माइनस वन और माइनस टी ऑफ एन माइनस वन प्लस टू एन माइनस वन। ये टी ऑफ एन अच्छा माइनस वन यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास बच गया एन इंटू टी ऑफ एन माइनस वन और टी ऑफ एन माइनस वन टू एन और माइनस वन। ठीक, तो आई अगेन रीअरेंज देम, एन इंटू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस टी ऑफ एन माइनस वन प्लस टू एन माइनस वन। सही, मैंने सिंबल सही लिए ना सारे। प्लस यहाँ पे माइनस से वही प्लस हो गया और एन इंटू टी एन माइनस वन और माइनस टी। हाँ ठीक है, चलिए यहां तक हम आ गए। इसके बाद हमें क्या करना है, यहां से मैं टी एफ एन माइनस वन कॉमन लूंगा। टी एफ एन माइनस वन मेरा कॉमन आ गया और बचा गया एन प्लस वन। ठीक है, प्लस टू एन माइनस वन। अब मैं दोनों साइड्स को डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय एन, दोनों साइड्स को एन से डिवाइड कर रहा हूं मैं। यहां मैं लिखूंगा एन इंटू टी ऑफ एन डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन प्लस टू एन माइनस वन। दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय एन, दिस टर्म डिवाइड बाय एन, दिस टर्म डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे एन से एन कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस, हमें अब ये भी कैंसिल आउट करना है ना, एन प्लस वन। तो हम एक और स्टेप लेंगे, डिवाइड बाय एन प्लस वन। तो यहां मैं कहूंगा टी ऑफ एन डिवाइड बाय एन प्लस वन इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन माइनस वन एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। ओके, प्लस टू डिवाइडेड बाय एन प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाय एन इंटू एन प्लस वन। यहां पे मैं दो काम करने वाला हूं। पहला तो ऑब्वियस है कि ये एन प्लस वन हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, दैट्स अ गिवन। दूसरा कौन सा काम है भाई, दूसरा काम ये है कि ये जो टर्म है वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन, ये एक्चुअली क्या है, वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगी। अब ये इतनी छोटी वैल्यू होगी, इतनी छोटी वैल्यू होगी कि ये बिल्कुल नेग्लिजिबल कंसिडर होगी। ठीक है, अच्छा वंस अगेन ये चीज याद रहे, प्लस सी अपनी जगह चला आ रहा है, वॉट एवर दैट कॉन्स्टेंट बी, प्लस सी अपनी जगह चला आ रहा है। तो ये एक्चुअली बहुत बहुत छोटी वैल्यू है जो कि कांस्टेंट से माइनस होगी, इसलिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। इस टर्म को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट इटरेशन में। तो माइनस वन अपॉन वट एवर ये एन स्क्वायर प्लस एन, एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी, बहुत बहुत छोटी नेग्लिजिबल वैल्यू होगी। तो वी विल इग्नोर दिस वन, और हम अपनी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, टी ऑफ एन माइनस वन प्लस टू डिवाइड बाय टी ऑफ टू डिवाइड बाय एन प्लस वन। सही, अच्छा
अब हम आ जाते हैं प्लस सी वॉट एवर, वही हम कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ वॉट, इसके बाद हम एक और छोटा सा काम करेंगे, वो ये कि अब हम देखना कि टी ऑफ एन कैलकुलेट करने के लिए टी ऑफ एन माइनस वन चाहिए, तो टी ऑफ एन माइनस वन कैलकुलेट करने के लिए हमें टी ऑफ एन माइनस टू चाहिए, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए टी ऑफ एन माइनस थ्री, ऑल द वे गोज टू फाइनली हमारे पास टी ऑफ वन आ जाएगा। तो इसको हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा एक्सपेंड करने की, ठीक है, कि इसको हम किस तरह से रिजोल्व करें। और साथ ही एक चीज और जो मैं आई डोंट नो किस तरह से वो इग्नोर हो गई, ये जो डिवाइड बाय एन है ये हमने वापस यहां लिखना है, ये डिवाइड बाय एन हो रहा है, ठीक है, टी एफ एन माइनस वन डिवाइड बाय एन है ये। चले अब हम करेंगे ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 मैंने इसको अज्यूम कर लिया। अच्छा अब इसके बाद क्या करूंगा, मैं ये करूंगा एन माइनस वन सब सेट एन इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो चूंकि मुझे टी एन निकालने के लिए टी एफ एन माइनस वन चाहिए, तो अब टी एफ एन माइनस वन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, डिवाइड बाय ये एन बच जाएगा, एन माइनस वन एन प्लस वन माइनस वन, तो दिस विल रिमेन। और अब ये क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, इस इक्वेशन में से मजीद एन माइनस मजीद एक माइनस वन कर देता हूँ तो ये एन माइनस टू हो जाएगा, डिवाइड बाय फिर ये भी एन माइनस टू, ये एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, प्लस टू डिवाइड बाय ये एन हो जाएगा और प्लस सी एज इट इज आ रहा है। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 7। अब करना ये हमें सब्स्टिट्यूशन करनी है, सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है, ये जो टर्म है इसको यहां प्लेस करना है हमें इक्वेशन नंबर 6 में, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी, इसी में मैं किसी तरह एडजस्ट करता हूँ, टी एन डिवाइड बाय एन प्लस वन विल बी इक्वल टू ये पूरा हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ये पूरी टर्म, तो आई विल राइट समथिंग लाइक टी ऑफ एन माइनस टू डिवाइडेड बाय एन माइनस वन प्लस टू बाय एन और प्लस टू बाय एन प्लस वन, सी प्लस सी हो जाए तब भी वो एक कॉन्स्टेंट ही होगा, वी डोंट केयर अबाउट दिस, ये तो बस फॉर कंप्लीशन हम लेके साथ चल रहे हैं उसे, आखिर में ये आप जानते ही हैं जब हम अपर बाउंड निकालते हैं तो ये एलिमिनेट वैसे भी हो जाता है। अच्छा अभी अभी हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में, हमारा इंटरेस्ट ये है कि देखें टी ऑफ एन निकालने के लिए मुझे टी ऑफ एन माइनस वन चाहिए था, मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दी, अब टी ऑफ एन माइनस वन निकालने के लिए मुझे टी ऑफ एन माइनस टू चाहिए,
सिमिलरली टी एफ एन माइनस टू निकालने के लिए टी एफ एन माइनस थ्री चाहिए। तो अब ये मैं गौर करूँ अगर इस पर, तो इसको जब मैं नेक्स्ट टाइम सब्सटीट्यूट करूँगा तो क्या होगा, ये टी एफ एन माइनस थ्री हो जाएगा और यहाँ डिनोमिनेटर में एन माइनस वन की जगह एन माइनस टू आ जाएगा। तो यही काम मुझे करना है। लेट्स डू, इसको मैं पूरी एक सीरीज बना के रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मीनिंग सबसे पहली टर्म मेरी होगी टी ऑफ वन डिवाइड बाय वन, मेरे पास दूसरी टर्म आ जाएगी टी ऑफ टू, फिर टी ऑफ थ्री, फिर टी ऑफ फोर, इन तमाम को, और डिनोमिनेटर में मेरे पास माइनस वन आ रहा है, यहाँ पे माइनस टू आ जाएगा, फिर माइनस थ्री आ जाएगा। इन तमाम को मैं यूँ लिख सकता हूँ, अगर मैं टू कॉमन ले लूँ ये जो है टू बाय एन प्लस वन आया, फिर टू बाय एन आया, फिर टू बाय एन माइनस वन आएगा, फिर टू बाय एन माइनस टू आएगा। तो अगर मैं टू कॉमन ले लूँ तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, पहले ये टर्म उठा लेता हूँ मैं, वन अपॉन एन प्लस वन, फिर प्लस वन अपॉन एन, फिर प्लस, जैसे जैसे एक एक वैल्यू माइनस होती जा रही है, वन अपॉन एन माइनस वन, प्लस वन अपॉन एन माइनस टू, प्लस वन अपॉन एन माइनस थ्री, एंड सो ऑन, आखिर में प्लस सी। ये मेरी एक पूरी सीरीज बन गई। इस सीरीज को अगर आप गौर करें तो अगर ये टर्म मैं छोड़ दूं ना सिर्फ, और सिर्फ ये टर्म उठा लूं इसकी बात करूं, तो ये बन जाती है मेरे पास ऑयलर की हार्मोनिक मीन सीरीज, जिसके मुताबिक वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन सॉरी, इसके मुताबिक वन अपॉन टू, वन प्लस वन अपॉन टू, प्लस वन अपॉन थ्री, प्लस वन अपॉन फोर, प्लस वन अपॉन फाइव, ऑल द वे टू वन अपॉन एन इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ एन प्लस एन ऑयलर कॉन्स्टेंट कॉल्ड गामा। तो हमारे पास ऊपर भी एग्जैक्टली यही काम हो रहा है, एन की कोई भी वैल्यू रखूंगा वो एन वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट थ्री, वन अपॉइंट फोर, वन अपॉइंट फाइव, यही सीरीज बन रही है। तो मैं इस पूरी सीरीज को सब्सटीट्यूट कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा विद ऑयलर्स इक्वेशन, आई विल गेट टी ऑफ एन बाय एन प्लस वन इज इक्वल टू टी ऑफ वन प्लस टू, इसमें कॉमन है वन अपॉन एन प्लस वन, हमारे पास एक एक्सेप्शन है, बाकी पूरी इक्वेशन रिप्लेस हो गई एल एन एन प्लस गामा से, और आखिर में कॉन्स्टेंट आ रहा है। ठीक है, नाउ वी आर नियरिंग आवर फाइनल स्टेप। हम एन प्लस वन को ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, फाइनली मेरे पास इवेंचुअली जो मुझे चाहिए था टी ऑफ एन यहाँ पे बच गया। टी ऑफ वन वी ऑलरेडी नो इज इक्वल टू वन, तो इसको हम सीधा सीधा इनटू वन प्लस टू एन प्लस वन इनटू वन अपॉन एन प्लस वन प्लस एल एन एन प्लस गामा प्लस सी इंटू एन प्लस वन, विच विल फर्दर रिजॉल्व टू एन प्लस वन प्लस, ये टर्म अगर अलग हो जाएगी तो टू ऑफ एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन आ जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा,
प्लस फिर एल एन एन इंटू एन प्लस वन प्लस गामा इंटू एन प्लस वन प्लस सी इंटू एन प्लस वन। ठीक है, इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूँ कि दिस विल बिकम, सिर्फ इसमें टू कांस्टेंट है ना, तो टू प्लस इन सारी टर्म्स में मैंने एन प्लस वन कॉमन ले लिया, एन प्लस वन मैंने कॉमन ले लिया और मेरे पास क्या बचा, एल एन एन प्लस गामा प्लस सी। ठीक है, आई एम लेफ्ट विद दिस। अब आप देखें यहाँ पे कितने सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये एक और कॉन्स्टेंट है, ये एक और कॉन्स्टेंट है, तीन कॉन्स्टेंट्स तो हमारे पास हैं ऑलरेडी, सही है। फिर ये जब जाहिर है दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ये प्लस वन थ्री हो जाएगा, ये एक ही बात है। और इसके बाद भी हम एक मजीद एक कॉन्स्टेंट लेके आने वाले हैं, और वो क्यों लाएंगे वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर हम बात ये करें कि सॉरी आई जस्ट रियलाइज्ड कि यहाँ पे एक मुझसे मिस्टेक हुई है इक्वेशंस में, ये टी ऑफ वन नहीं होगा, ये टी ऑफ वन डिवाइड बाय टू होगा। बिकॉज आप यहाँ देखें कि ये एन माइनस टू अगर यहाँ है तो यहाँ पे एन माइनस वन है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे वन होगा तो इधर टू होनी चाहिए वैल्यू। इसी तरह मैं यहाँ पे करेक्शन कर रहा हूँ हर जगह पे, डिवाइड बाय टू, और इसको मैं रीराइट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं रीराइट कर देता हूँ, इवेंचुअली आई विल बी लेफ्ट विद एन प्लस वन अपॉन टू प्लस टू प्लस अच्छा एन 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 प्लस वन मुझे कॉमन लेना है ना, तो यहाँ मैं सिर्फ छोड़ दूंगा टू प्लस एन प्लस वन मुझे कॉमन लेना है, और इसकी मैं बात करूँ तो वन अपॉन टू प्लस एल एन एन प्लस गैमा प्लस सी कॉन्स्टेंट। ठीक, अब यहाँ पे एक छोटा सा और भी हम काम करेंगे। देखिए, ये मेरा नेचुरल लॉग है, मैं नेचुरल लॉग में थ्योरेटिकली तो लिख सकता हूँ एक इक्वेशन, लेकिन प्रैक्टिकली आपको पता है नेचुरल लॉग की जो बेस होती है वो क्या होती है, नेचुरल लॉग की बेस क्या होती है, बेस ऑफ नेचुरल लॉग इज e एक्सपोनेंट एक्सपोनेंशियल नंबर विच इज इक्वल टू 2.718। और इन रियलिटी कभी आप खुद बताइए, ट्री जब भी ब्रेक होगा, जब भी कोई एरे सब एरेज में ब्रेक होगा, तो या तो वो उसके दो पार्ट्स बनेंगे या तीन पार्ट्स बनेंगे, कोई सी भी वेरिएशन है एल्गोरिदम की। हमारे एल्गोरिदम के केस में दो पार्ट्स बन रहे हैं, लेफ्ट और राइट, लेकिन अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल ड्यूल पिवट की, तो ड्यूल पिवट क्विक सॉर्ट में फिर तीन पार्टीशन बन जाते हैं सेम एरे के, लेकिन 2.7 पार्ट्स कभी भी नहीं बन सकते। ठीक है, तो फ्रैक्शन में ये हो ही नहीं सकता, तो हमें इसको लेके आना है, रिप्रेजेंट करना है लॉग की फॉर्म में। हाँ,
लॉग टू की फॉर्म में हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हमारा जो एरे है वो स्प्लिट होगा दो दो पार्ट्स में. तो वी ऑल्सो नो, ये भी हम पढ़ते आए हैं कि लॉग्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के ऑफ एनी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एल एन एक्स डिवाइड बाय एल एन ऑफ के. ये ठीक है. तो हम लोग अपनी इसी इक्वेशन में एल एन एन की जगह क्या पुट कर सकते हैं? यहाँ समझ लें एल एन एक्स है, एल एन एन यहाँ है, तो ये इधर चला जाएगा, और के की वैल्यू हमारे पास है 2. तो मैं ये कह सकता हूँ एल एन ऑफ एन इज इक्वल्स टू हमारे केस में लॉग 2 ऑफ एन इंटू एल एन ऑफ 2. ये मैं कर लेता हूँ, ये हमारी इक्वेशन नंबर 8 है, इसके अंदर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ. टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2 प्लस एन प्लस 1, और यहां मैंने लिख दिया लॉग 2 ऑफ एन इंटू एल एन ऑफ 2 प्लस गैमा प्लस सी, और ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है. एक्सेप्ट एक छोटा सा काम मैं और करूंगा, जितने भी कॉन्स्टेंट्स है ना, इनके अलग अलग जो सिंबल्स लिखे हुए हैं, इन तमाम कॉन्स्टेंट्स को मैं एक कॉन्स्टेंट 1, कॉन्स्टेंट 2, कॉन्स्टेंट 3 कह देता हूँ, क्योंकि ये इटसेल्फ एक कॉन्स्टेंट है. तो इसको अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, एन इंटू लॉग 2 ऑफ एन, ठीक है, ये दो इंटू एल एन ऑफ 2 दिस वन प्लस एन गामा, और प्लस एन इंटू सी प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई होगी, सारी की सारी एज इट इज आ जाएगी टर्म, ठीक है. तो मेरे पास बचेगा फिर लॉग 2 ऑफ एन डॉट एल एन 2 प्लस गैमा प्लस सी. लेट ऑल कॉन्स्टेंट्स बी सी, सारे जो भी कॉन्स्टेंट है हम उसे सी कह सकते हैं, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो, दैट इज जस्ट अ कॉन्स्टेंट. तो हम यहाँ कहेंगे एन इंटू लॉग 2 ऑफ एन, ये बात तो अपनी जगह सही है, ये जो एल एन 2 है ये भी कॉन्स्टेंट ही है ना, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कोई इसकी वैल्यू निकलेगी 0.6 समथिंग, जो भी इसकी वैल्यू निकलती है. मैं एक्चुअली कैलकुलेटर पे देख लेता हूँ कि एल एन 2 बनता क्या है. तो 2 का नेचुरल लॉग मेरे पास आ जाता है एल एन ऑफ 2 इज इक्वल टू समथिंग 0.693, ठीक है, क्लोज टू दिस. जो भी वैल्यू आई स्टिल इट्स अ कॉन्स्टेंट. तो मैं तमाम कॉन्स्टेंट्स की जगह सीधा सीधा ये लिख सकता हूँ डॉट सी,
प्लस एन डॉट सी प्लस सी डॉट सी प्लस लॉग टू ऑफ एन प्लस सी प्लस सी प्लस अनदर सी विच विल गिव मी पी ऑफ एन इज इक्वल्स टू सी एन लॉग टू ऑफ एन प्लस लॉग टू ऑफ एन, ठीक है, प्लस सी डॉट एन प्लस वन टू थ्री थ्री सी प्लस सी स्क्वायर्ड, जो भी है ये सारे सी इवेंचुअली कॉन्स्टेंट है। ये चीज समझने की बहुत जरूरत है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर दिस दिस वैल्यू ऑफ सी बी। जब हम लॉग एल्गोरिदम्स की ग्रोथ की बात करेंगे तो ये बिल्कुल इरेलेवेंट हो जाएगा, चाहे कैसा ही कितना ही बड़ा कॉन्स्टेंट हो, ठीक है। तो जो हमारे पास बची इक्वेशन, इफ आई से लेट सी इज इक्वल टू वन, सी को वन रख देते हैं, तो क्या रह जाएगा, पी ऑफ एन इज इक्वल टू एन लॉग टू ऑफ एन प्लस लॉग टू ऑफ एन, दैट्स इट। अब इसके लिए मुझे कोई जो है वो अपर बाउंड निकालने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, बेगो कौन सी टर्म हायर है, ये ज्यादा हाई है, ये ज्यादा ग्रो होगी या विद रिस्पेक्ट टू एन ये टर्म ज्यादा ग्रो होगी, तो वी नो स्ट्रेट अवे कि भाई ये जो फर्स्ट टर्म है बिकॉज ये एन से मल्टीप्लाई हो रही है इसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, तो दिस इज मोर डोमिनेंट टर्म, आई विल सिंपली राइट एन लॉग टू ऑफ एन। और इस तरह से मैंने फाइनली ड्राइव की अपनी इक्वेशन और अपर बाउंड फॉर एवरेज केस सिनेरियो ऑफ क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। आई होप कि ये मैं कन्वे कर पाया हूँ, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन अगर आप इसको गो थ्रू करेंगे दो तीन मरतबा तो इंशाल्लाह आप ग्रेस्प कर लेंगे इजीली। थैंक यू।